महासमुंद में भाजपा लगातार महानदी से रेत के अवैध उत्खनन को लेकर शासन प्रशासन को घेर रही है। अब भाजपा ने एक बार फिर से जिला प्रशासन पर रेत माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर धड़ल्ले से अवैध उत्खनन करने का आरोप लगाया है। बता दें, महासमुंद से होकर गुजरने वाली महानदी और शिवनाथ नदी का रेत पूरे प्रदेश में सप्लाई किया जाता है। जिले में खनिज विभाग ने 36 रेत खदानों को अधिकृत रूप से घोषित किया है, लेकिन हाल ही में जिले में 2 रेत खदान मुड़ियाडीह और पसीद ही चालू है, जिसे अभी बरसात के कारण जिला प्रशासन ने बंद करने की अनुमति दी है। लेकिन भाजपा नेताओं का आरोप है कि रात के अंधेरे में इन दोनों खदानों से रेत माफिया धड़ल्ले से रेत की चोरी कर रहे हैं और रोजाना सैकड़ों ट्रक रेत निकाली जा रही है, जबकि पूरे मामले में प्रशासन हाथ पर हाथ रखे हुए बैठा है। रेत की छत्तीसगढ़ में बंद हो जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 15 जून के बाद कोई भी रेत खदान नहीं चलने चाहिए, जिसकी कॉपी भी यहाँ खनिज अधिकारी को दी गई। रेत के प्रकरणों में इस बार बाकी वर्षों की अपेक्षा दुगुनी लगभग कार्रवाई हुई है और अवैध उत्खनन और परिवहन मिला के 1 जनवरी से अभी तक की स्थिति में लगभग 10 लाख रुपए तक की वसूली हो चुकी है। आज की डेट में कोई भी रेत खदान चालू नहीं है।